जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ का आज हम दिव्य सानिध्य प्राप्त करने आए। ये हर्ष, ये खुशी, प्रसन्नता हम किन शब्दों में व्यक्त करें। सामने मेरे ठीक सम्मुख गुंडीचा मंदिर, जिसे मासी का घर कहते हैं, जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बलदाऊ दादा, जिसे बलभद्र कहते हैं, तीनों को साथ लेकर, अपने समस्त परिकरों को साथ लेकर दर्शनों के लिए, विश्राम के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आषाढ़ कृष्ण अमावस्या को वो जब स्नान करते हैं, स्नान के बाद भगवान विश्राम करते हैं, फिर उन्हें बुखार आता है। आज उसी के लिए भगवान पधारे और उनके इस दिव्य यात्रा के लिए, मानो ये जो भारत के चार महाकुंभ हैं, वो चारों महाकुंभ एक साथ जगन्नाथ धाम में प्रकट हो जाते हैं। ये एक दिव्यता है। लोग अलग अलग महाकुंभ का दर्शन करने जाते हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, और जगन्नाथ भगवान के चरणों में चारों महाकुंभ का एक साथ दर्शन होता है। मेरे ठीक दाहिनी ओर बलभद्र यानी बलराम जी का दिव्य रथ सुसज्जित है, मध्य में बहन सुभद्रा जी का, और ये वही सुभद्रा जी हैं, इनका परिचय दे दूं बहुत से जो हमारे नव श्रोता हैं। ये सुभद्रा जी का बड़ा दिव्य परिचय है, अर्जुन के साथ इनका विवाह हुआ, और विश्व का सबसे बड़ा वीर अभिमन्यु इसी माता के गर्भ से जन्म लिया, और जिनके सुपुत्र राजा परीक्षित को कौन नहीं जानता, अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित, जिस राजा परीक्षित के नाम से करोड़ों करोड़ों लोग भागवत श्रवण करके भवसागर को तर जाते हैं, उसी राजा परीक्षित की दादी सुभद्रा। और जगत के नाथ ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, यम, समस्त सप्तऋषि, बड़े बड़े शरद कुमार जी, नारद जी, जिनके चरणों में नतमस्तक होकर स्तुति करते हैं, वो साक्षात अपने दिव्य मंदिर का परिसर को त्याग कर अपने भक्तों के मध्य में चले आते हैं, ताकि प्राणी मात्र को दर्शन दे सके। एक समय था कि कोई छोटे से छोटा भक्त भी अपने हृदय से लगा सकते थे, पर अब अधिक भीड़ होने के कारण ये सुविधा अब नहीं रही, किंतु तो पहले ऐसा था। और हम सब जानते भी हैं, एक सालवे के बीच में जब हम बड़दांडो से होकर आते हैं, तो बीच में सालवे की समाधि पड़ती है। ये वही सालवे है जो एक मुस्लिम भक्त था, और जिसे पहले दर्शनों से बाधित कर दिया गया, उसको प्रताड़ित कर दिया गया, तो जगन्नाथ जी का रथ अड़ गया कि भैया हम नहीं जाएंगे। सालवेक नामक भक्त को बुलाओ, और बुलाकर जब तक वो स्पर्श नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा, मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। फिर हड़कंप हो गया, पुजारियों से ढूंढने लगे, और जब उनको लेकर आए, तब जाकर रथ दोबारा फिर से चल पड़ा। तो इसलिए ये दिव्य कथा है। नाम उपचार चैनल पर आप इस कथा को सुन सकते हैं, और आप दर्शन कीजिए। उसी क्षण में ये ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती जिसे बोलते हैं, ये मंगल आरती का समय हो रहा है, आदमी जी का दर्शन भी होने जा रहा है। दिव्य दर्शन हो जाएगा। एक पद है, उठ जागे मुसाफिर भोर भई, उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भैया जगन्नाथ जी का ये दिव्य दर्शन उन्हीं को प्राप्त होगा जो रात्रि जागरण करे और ब्रह्म मुहूर्त में आकर दर्शन करे। ये निकटता उन भक्तों को भगवान सुलभ कराती है। भवसागर के माया के बंधन में जो निद्रा में लीन है, तो भैया वो तो सदा सदा के लिए दूर है, पर जो इस माया को लांग कर भगवान नाम का आश्रय लेकर और अज्ञान रूपी निद्रा का त्याग करके भगवान के दिव्य सानिध्य प्राप्त करे, उन्हें जगन्नाथ दर्शन देने को आतुर है। दोनों हाथ भुजा पसारे खड़े हैं, जगत का नाथ जगन्नाथ आओ मेरे शरण में,
और तुम्हारे जीवन के समस्त रोग शोक भय दुख जरा व्याधि का नाश करने में वर्ष में एक बार, साल में 364 दिन तुम लोग आते हो मंदिर में, पर एक दिन भगवान अपने दिव्य गोलोक से उतर कर भक्तों के मध्य में आकर भक्तों को दर्शन देते, अभिलाषा पूर्ण करते। जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ।